Hey guys, in this video we are going to look at multicasting in IP environment. So क्या होता है multicasting, क्या concepts हैं, कैसा क्या काम करता है देखते हैं. तो what is multicasting? भाई देखो, हम पहले तीन terms हैं, unicast, multicast and broadcast. Unicast क्या होता है? एक source, एक destination, single packet या unicast. Broadcast क्या होता है? एक source, multiple destinations. ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है? मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, मल्टीकास्ट के अंदर मल्टीपल डेस्टिनेशंस तो होते हैं पर वो सारे ऑल डेस्टिनेशन नहीं होते. ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? सिंपल पैकेट हम सब पे फेंक देते हैं, जितने भी नोड्स हैं अपने नेटवर्क के अंदर हर एक नोड पे अपना पैकेट फेंक देंगे. उसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा. इससे ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि जो ट्रैफिक होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जिसको नहीं लेना वो भी पैकेट रिसीव कर रहा है. मल्टीकास्ट में क्या होता है? जिसको पैकेट चाहिए उसी को रिसीव होगा पैकेट, और मल्टीपल हो सकते हैं ऐसे नोड्स जिनको पैकेट चाहिए. ब्रॉडकास्ट के अंदर तो सबको पैकेट फेंक दिया जाता है, पर मल्टीकास्ट के अंदर जिनको चाहिए उन मल्टीपल चीज़ों को ही पैकेट फेंका जाता है. अच्छा, एक और चीज़ होती है इसके अंदर, मल्टीपल यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट अलग है. भाई दो चीज़ें होती हैं, या तो हमारा सेंडर ही जो है जिन जिनको पैकेट चाहिए उन सब के लिए पैकेट भेजे, तो ये हो गया मल्टीपल यूनिकास्ट. यूनिकास्ट कनेक्शन बन रहे हैं, वो कनेक्शन मल्टीपल हैं. पर मल्टीकास्ट में ऐसा नहीं होता, सेंडर खाली एक पैकेट निकालेगा और उसको पैकेट को जिस जिस नोड पर पहुंचाना है वो काम सेंडर का नहीं है. सेंडर ने बस आईपी लिख दिया कि ये पैकेट इंडियन आईपी पे पहुंचनी है. अब राउटर के अंदर उस पैकेट की डुप्लीकेशन होती है. मल्टीपल यूनिकास्ट के अंदर सेंडर ही मल्टीपल कॉपीज बना बना के भेजता है, ये कॉपीज़ के लिए, कॉपीज़ के लिए, कॉपीज़ के लिए. पर मल्टीकास्ट के अंदर राउटर का काम है कि उस पैकेट की मैं कॉपीज़ बनाऊँ और हर एक एक कॉपी उसकी हर एक टारगेटेड नोड पर पहुँचे. तो मल्टीपल यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट अलग चीज़ें हैं. मल्टीकास्टिंग राउटर करता है, मल्टीपल कॉपीज राउटिंग बनाएगा, राउटर बनाएगा. यूनिकास्ट के अंदर सोर्स से ही मल्टीपल कॉपीज बन के निकलती हैं. तो ये था यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीपल यूनिकास्ट भी एक चीज़ होती है जिसमें कन्फ्यूजन रहती है अक्सर, तो उसके साथ कन्फ्यूजन ना वो अलग चीज़ है थोड़ी. अच्छा, एप्लीकेशन क्या है मल्टीकास्टिंग की? भाई सबसे बड़ी एप्लीकेशन मल्टीकास्टिंग की हम देखें तो हॉटस्टार पे क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट होता है और उसी को डिलीवर होता है जो हॉटस्टार के सर्वर से लाइव है इस वक्त, तो उन सबको वो मल्टीकास्ट होता है. जब आप क्रिकेट देखते हो जो आपके टेलीविजन पे है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, पर जो हॉटस्टार पे है वो मल्टीकास्ट हो रहा है. हॉटस्टार के जो जो आईपी कनेक्टेड है उन्हीं को डिलीवर होगा, तो एक तरह से वो मल्टीकास्ट का एप्लीकेशन है. और देखें तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिससे कर रहे हैं भाई, जैसे सिंपल ले लिया कि मैंने ग्रुप वीडियो कॉल करी ग्रुप के अंदर, तो वो सिलेक्टेड उन मेंबर्स के साथ ही शेयर होनी है मेरी वीडियो. अगर पांच बंदों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो उन पांचों के साथ ही शेयर करना है. मल्टीकास्टिंग है, मल्टीपल रिसीवर्स हैं, पर ब्रॉडकास्ट नहीं है, सब नहीं रिसीव कर रहे, खाली वो पांच बंदे कर रहे हैं. तो जैसे व्हाट्सएप के अंदर हमारा ग्रुप मैसेजेस होते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, वो मल्टीकास्टिंग की एक चीज़ है कि मतलब सबको ब्रॉडकास्ट तो नहीं हो रहे पर हाँ ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनको जा रहे हैं, तो वो एक तरह से मल्टीकास्टिंग. तो बैंकिंग में यूज़ होता है, ग्रुप मैसेजिंग देख लिया, बिजनेस एप्लीकेशन वगैरह हैं. तो ये मल्टीकास्टिंग होती कैसे है भाई? इसके अंदर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनता है कि भाई हर एक नोड ट्री मेंटेन करता है कि मुझे इस ग्रुप के अंदर डेटा भेजना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है. तो क्या होता है इसके अंदर, कुछ ना कुछ एग्जैक्टली नहीं, कुछ होती है हमारे पास यहाँ पे वही वाली पिछली फील जो हमने बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में देखा था, जिसके अंदर एक हमारा क्या होता है मेन नोड होता है जिसको हम कॉलर नोड कहते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटर होता है. तो ऐसे ग्रुप के अंदर अगर मुझे मान लो किसी ग्रुप में डेटा भेजना है तो मैं किस राउटर से वो ग्रुप कनेक्टेड है वहाँ पे भेज दूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये R1 की राउटिंग टेबल है, अगर मुझे R1 ने ग्रुप 1 के अंदर, यहाँ पे ये ग्रुप 1 ये रहा, ग्रुप 1 में डेटा भेजना है तो आइदर वो R3 को भेज दे या R2 को भेज दे, तो ग्रुप 1 में पहुँच जाएगा. ग्रुप 1 ये रहा, आइदर R3 को भेज दे या R2 को भेज दे, तो ग्रुप 1 में वो डेटा उसको पहुंच जाएगा. ग्रुप 2 मेरा हेरा, R1 ग्रुप 2 को डेटा भेजना है तो R2 को भेजना पड़ेगा उसे. सिमिलरली ग्रुप 3 में डेटा भेजना है, ग्रुप 3 यहाँ है और मेरा यहाँ है, R1 ने ग्रुप 3 को डेटा भेजना है तो सिंपल वो R3 को भेज देगा, तो ग्रुप 3 के हर एक नोड पे वो डेटा चला जाएगा. इसने क्या करा, एक ट्री बना लिया कि देख लिया ग्रुप 3 कहाँ कहाँ पे और ग्रुप 3 कहाँ से कैसे रीच हो सकता है. तो इसने एक ट्री बना लिया नोड ने कि भाई ग्रुप 3 के ग्रुप 1 के डेटा को भेजना है तो मैं R3 को भेज दूंगा, तो मैं ग्रुप 3 के हर एक मेंबर को डेटा डिलीवर हो जाएगा. ये देखता है ग्रुप 3 का कौन कौन सा मेंबर है और वहाँ तक पहुँचाना है तो किस किस राउटर को डेटा भेजना है. तो एक ट्री बना लिया इसने शॉर्टेस्ट पाथ का कि भाई मैंने इन इन राउटर्स को डेटा भेजना है, इनके इनको भेज के मेरा अगर मुझे ग्रुप 1 पे कोई मैसेज भेजना है तो R3 और R2 को मैं डेटा भेज दूंगा, तो वो आगे अपने आप भेज देंगे ग्रुप के हर एक मेंबर पे. तो ये एक शॉर्टेस्ट
ट्री कहते हैं हम इसको, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनता है इसके अंदर, और हर एक राउटर ये बनाएगा। आर वन ने राउटिंग टेबल बनाई, आर टू ने बनाई नहीं, ऐसी सिमिलरली मैंने ग्रुप वन के अंदर डेटा भेजना, तो ग्रुप वन किस किस राउटर से अटैच है और मैं किन किन राउटर पर डेटा भेज दूंगा, तो अपने आप उस ग्रुप के हर एक मेम्बर पर डेटा पहुँच जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई ये जो ये टेबल बनाना, ये वाला टेबल बनाना एक बहुत ही खर्चीला काम है, इसके अंदर रिसोर्सेज और कॉम्पिटिशन लगती हैं। तो हमारे पास दो तरह के ये शॉर्टेस्ट पास ट्री होते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है भाई, सिंगल सोर्स बेस्ड है, सिंगल सोर्स है, यानी कि सिंगल हर एक राउटर ने अपनी ऐसी एक टेबल बना रखी है, हर एक टेबल जो है, ये जो टेबल है हर एक राउटर ने अपनी बना रखी है, और जैसे राउटर को डेटा भेजना है तो हर एक वो मतलब हर एक ने अपनी डेटा टेबल बना रखी है, अपने से मतलब है भाई हम किसी से पूछेंगे नहीं, अपनी टेबल बना के रख ली, जिसको भेजना है भेज दिया। अच्छा, एक इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि भाई ग्रुप बेस्ड ट्री, ग्रुप बेस्ड ट्री इसके अंदर क्या होता है कि भाई हमने एक राउटर को ठेका दे दिया, उसको कहते हैं रॉन्डेवू राउटर को हमने ठेका दे देते हैं कि भाई तेरा काम है भाई राउटिंग टेबल बनानी है हर एक ग्रुप के लिए, कैसे काम करना है। तो जो भी पैकेट्स आएंगे उस रॉन्डेवू राउटर पर राउट होंगे, जो भी पैकेट में मल्टीकास्ट करना है उस रॉन्डेवू राउटर, एक हम डिसाइड कर लेते हैं मेरे नेटवर्क में एक रॉन्डेवू राउटर रखेंगे हम, उस रॉन्डेवू राउटर का काम है कि शॉर्टेस्ट बेस्ड ट्रीज बनाए सभी ग्रुप के लिए, और जितने भी मल्टीकास्ट के पैकेट आएंगे उन रॉन्डेवू राउटर्स पे मैं भेज दूंगा, और अब उस रॉन्डेवू राउटर का काम है कि कैसे कहां से भेजना है वो रॉन्डेवू राउटर देखेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, ग्रुप शेयर्ड है कि एक ग्रुप ने शेयर कर रखा है ट्री को, तो हर एक रॉन्डेवू राउटर, ये सोर्स बेस्ड था कि भाई सोर्स बेस्ड के हर एक राउटर ने अपनी एक राउटिंग टेबल बना रखी है, हर एक राउटर देख रहा है, और ये रॉन्डेवू हो गया कि मेरा एक रॉन्डेवू राउटर है ये वाला, अगर इसको किसी कहीं पे भी डेटा भेजना है तो पहले रॉन्डेवू राउटर पे जाएगा, रॉन्डेवू राउटर ने बना रखी है यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ टेबल, और वहाँ से वो राउट होता है। तो भाई हर एक राउटर बना ले या फिर ग्रुप में शेयर हो जाए रॉन्डेवू राउटर के थ्रू, तो ये हमारे मल्टीपल शेयर बेस्ड शॉर्टेस्ट पाथ ट्री होते हैं। दैट्स इन दिस वीडियो, वी विल सी मल्टीकास्टिंग इन अपकमिंग वीडियोस। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट सेक्शन इन ओपन टू यू गाइस, कोई भी डाउट्स मुझे पोस्ट करो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस ऑफ योर्स, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। सो दैट्स आई गेस दैट्स इट इन दिस वीडियो, दिस इज योर फ्रेंड संचिता ग्लोवा साइनिंग ऑफ, होप टू सी मै इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।